नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 45 के बारे में। 44 पहले अपलोड हो चुके हैं, उनको भी देख लेना। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। तो यह सीरीज चल रही थी 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी टेक्नीशियन एग्जामों के लिए, जैसे दिल्ली मेट्रो टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, हरियाणा लाइनमैन, जयपुर मेट्रो आदि सभी टेक्नीशियन एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपन ने 1200 के क्वेश्चन देख लिए थे, आज बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1201 है, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसकी इकाई क्या होती है? टेस्ला, वेबर, न्यूटन या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर? तो क्या होती है, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट कमेंट करना है सभी को, और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक शेयर सभी को कर देना है। फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर। क्या होती है? वेबर करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है? स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि किसमें होती है? बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर या कोयले रख रखाव इकाई में? तो किसमें होती है सबसे ज्यादा ताप हानि, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट कमेंट करके बताना है सभी को, फटाफट कमेंट करो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडेंसर में। किसमें होती है? कंडेंसर में राइट आंसर होगा, ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? अज्ञात पावर पता करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध पता करने के लिए, अज्ञात वोल्टता पता करने के लिए या अज्ञात आवृत्ति पता करने के लिए? तो किसके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, चलिए बताइए क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी इलेक्ट्रिकल मोटर की नेम प्लेट पर अंकित पावर क्या बताती है? किसी भी विद्युत मोटर पर उसकी नेम प्लेट पर जो अंकित पावर होती है वह क्या बताती है? ऑप्शन दे रखा है, केवीए में ली गई पावर, सेपट पर उपलब्ध पावर, मोटर में पावर हानि या किलोवाट में ली गई पावर? तो क्या बताती है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सापट पर उपलब्ध पावर को दर्शाती है नेम प्लेट पर लिखी गई अंकित पावर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम्ब, फेरेड, एम्पियर या वोल्ट? तो क्या होती है विद्युत आवेश की इकाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब, राइट आंसर होगा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पॉली वोल्टेज एंड करंट, पॉली विनाइल क्लोराइड, परमानेंट विनाइल क्लोराइड या पॉली वोल्टेज सर्किट? तो क्या होता है पीवीसी का फुल फॉर्म, चलो बताओ क्या होगा। इसको बार बार रिपीट किया जाता है एग्जामों में, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, सॉरी बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर केवल एसी के लिए उपयोग में किया जाता है? कौन सा मीटर है जो केवल एसी के लिए उपयोग किया जाता है? एम आई अट्रैक्शन टाइप, एम आई रिपल्सन टाइप, इंडक्शन प्रकार या पीएमएमसी? चलो बताओ कौन सा है इनमें से जो केवल एसी के लिए उपयोग किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए उपयोग किया जाता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, इंडक्शन प्रकार, राइट आंसर होगा ऑप्शन है सी।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न मान के संट प्रतिरोध वाले एक स्थायी चुंबकीय चल कुंडली उपकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, एमीटर के रूप में, पीएफ मापी के रूप में, वाट मीटर के रूप में या वोल्ट मापी के रूप में। तो एक निम्न मान के संट प्रतिरोध वाले एक स्थायी चुंबकीय चल कुंडली उपकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग लिया जाता है? चलो बताओ क्या होगा, फटाफट कमेंट करो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर के रूप में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेती किस धातु से बनी होती है, फाइल होती है वह किस धातु से बनाई जाती है? निकल इस्पात से, उच्च कार्बन इस्पात से, पिटवा लोहा से या लोहा से? तो किसकी बनी होती है रेती? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। किसकी बनी होती है? उच्च कार्बन इस्पात की, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्चार्ज लैंप नहीं है? क्या पूछ रहा है, कौन सा इनमें से डिस्चार्ज लैंप नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, सोडियम वेपर लैंप, इंडिकेसेंट लैंप, एचपीएमयू लैंप या फ्लोरोसेंट लैंप। तो कौन सा लैंप इनमें से डिस्चार्ज लैंप नहीं है? चलो बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सोडियम वेपर लैंप भी डिस्चार्ज लैंप है, एचपीएमयू लैंप भी डिस्चार्ज लैंप है और फ्लोरोसेंट लैंप भी डिस्चार्ज लैंप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिकेसेंट लैंप, ये क्या है, डिस्चार्ज लैंप नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार की मोटर में अपकेंद्री स्विच को सहायक वाइंडिंग के साथ सीरीज में रखा जाता है? अर्थात सेंट्रीफ्यूगल स्विच को सहायक अर्थात ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में रखा जाता है। ऑप्शन दे रखा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर या स्टेरेसिस मोटर। तो कौन सी मोटर में रखा जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में सर्वोच्च चालक होता है कौन सा होता है? आर फेज, अर्थ सुचालक, न्यूट्रल सुचालक या वाई फेज सुचालक? तो कौन सा सर्वोच्च चालक होता है? तो जो सबसे ऊपरी भाग में लगा होता है, ऊपर लगा होता है, वो कौन सा चालक होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ चालक होता है। कौन सा होता है? अर्थ चालक, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिघाती शक्ति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? रिएक्टिव पावर होता है तो उसको किसमें मापा जाता है? VAR में, वाट में, वोल्ट में या VA में? तो किसमें मापा जाता है रिएक्टिव पावर को, किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये, VAR में। किसमें मापा जाता है? VAR में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, SCSR कंडक्टर में स्टील के तार का क्या काम होता है? SCSR कंडक्टर में स्टील के तार का क्या काम होता है? कोरोना का बचाना, प्रेरकता कम और इस तरह शक्ति गुणांक बढ़ाना, अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना या परोत्कर्ष का ध्यान रखना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, इसका मुख्य काम होता है स्टील के तार का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? चालक बैंड होता है, चालन बैंड, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? प्रोटॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? तो किस नाम से जाना जाता है?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से, राइट आंसर होगा ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन दे रखा सस्पेंशन प्रकार के विद्युत रोधकों को निम्नलिखित में से किस वोल्टेज से अधिक के लिए उपयोग किया जाता है। सस्पेंशन प्रकार का विद्युत रोधक होता है तो उसका किस वोल्टेज से अधिक के लिए उपयोग में लिया जाता है, 230 वोल्टेज, 33 KV, 400 वोल्टेज या 110 वोल्टेज, तो किसके लिए उपयोग लिया जाता है, किससे अधिक पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 KV से अधिक वोल्टेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन दे रहा है निकल आयरन सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है। निकल आयरन सेल होता है उसमें किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या निकल हाइड्रोक्साइड, तो कौन सा उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, इनमें से फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला कौन सा है ऑप्शनों में से, चलो बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू बटे ये, राइट आंसर होगा ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है वी कर्व किस प्रकार के मोटर से संबंधित है, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, शंट मोटर, तो वी कर्व होता है वो किससे संबंधित होता है, चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, सिंक्रोनस मोटर से संबंधित होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा डेस औजार को उस माइका सीट में वर्गाकार छेद काटने के उपयोग किया जाता है जिसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है, किस औजार का उपयोग उस माइका सीट में वर्गाकार छेद काटने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है टेंसा, कियोलसा, कारपेंटर सो या एक्सा, तो किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओल्सो, छेद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है सीट में, कि ओल्सा का, राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन दे रखा किसी खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, 0 ओम, 10 ओम, अनंत या 10 किलो ओम, कितना होता है, एक ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन दे रखा जब भी कोई कंडक्टर किसी चुंब के फ्लक्स को काटता है तो कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रेरित होता है, यह कौन सा नियम है। जब भी कोई कंडक्टर किसी चुंब के फ्लक्स को काटता है तो उसमें एक कंडक्टर में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो वह कौन सा नियम है, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, फ्लेमिंग का नियम या कूलंब का नियम, कौन सा नियम है, चलिए बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम, राइट आंसर होगा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है जब प्रेरक मोटर तुल्यकालिक गति पर चलती है तो स्लिप का मान क्या होगा, जब एक इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पर चलती है तो उसका स्लिप का मान क्या होगा, 0, 2, अनंत या 1, कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, राइट आंसर होगा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी सी एम्पलीफायर के इनपुट व आउटपुट वोल्टेज के बीच क्या अंतर होता है, इनपुट व आउटपुट वोल्टेज के बीच अंतर कितना होता है, 20, 180, 90 या 150, कितने डिग्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180, राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी, करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि शंट डीसी मोटर में क्षेत्र धारा को घटाया जाता है तो मोटर की गति क्या होती, यदि डीसी शंट मोटर में फील्ड करंट को घटाया जाता है तो मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ता
है। ऑप्शन दे रखा, पहले बढ़ती है और फिर घटती है। ऑप्शन बी है घटती है, समान रहती है, बढ़ती, क्या होता है? चलिए बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फील्ड करंट को घटाने पर क्या हो जाता है, मोटर की गति बढ़ जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।